दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 7 अप्रैल 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ विदर्भ के गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट से। हम यहाँ PWD गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं। मेरे साथ हैं हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष दूध भले साहब, बहुत मेहनती संघर्षशील और सिद्धांतवादी साथी हैं। कल इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम यहाँ किया कि जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। हज़ारों ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवारों को दूध भले साहब ने गढ़चिरौली के जिलाधीश के सामने सभा में बुलाया। यहाँ जिलाधीश महोदय से वार्ता हुई। जिलाधीश साहब ने बड़ी शांतिपूर्वक हमारी बातों को सुना और अपनी सहमति व्यक्त की कि महाराष्ट्र PID एक्ट 1999 और बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना वो यहाँ सुनिश्चित करेंगे। अपने ऑफिसर्स को बुलाएंगे, उनके साथ मीटिंग करेंगे और किसी एक ऑफिसर को वो अपनी पावर डेलीगेट करते हुए यहाँ सक्षम अधिकारी नियुक्त करेंगे और जिन कंपनीज के खिलाफ ज़िले में मुकदमे दर्ज हैं उनसे तुरंत वसूली अभियान आरंभ करेंगे और जिन कंपनियों के खिलाफ या सोसाइटीज़ के खिलाफ यहाँ मुकदमे नहीं हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाएंगे। तो बड़ी अच्छी यात्रा दोस्तों हमारी चल रही है महाराष्ट्र में। जैसा कि आप सबको पता है 3 अप्रैल को वीर शिवाजी की पुण्यतिथि पर हमने नागपुर RSS मुख्यालय से मिशन भुगतान भारत यात्रा के 3रे चरण का शुभारंभ किया था और वहाँ से फिर हम गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली पहुँच चुके हैं और अब आगे हम चंद्रपुर जाएंगे, वर्धा जाएंगे और उसके आगे का कार्यक्रम हमारी प्रदेश अध्यक्ष सीमा यासनेकर जी, प्रदेश उपाध्यक्ष वर्षा लांडे जी और हमारे प्रदेश के प्रभारी महासचिव राष्ट्रीय महामंत्री विलास देशमुख जी, अन्य साथियों के साथ तेलांग वगैरह जी जो हैं हमारे जिलाध्यक्ष बुल्ढाणा उनके साथ मिलकर के आगे का कार्यक्रम बनाएंगे। और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से हमारा ये कार्यक्रम, हमारा मिशन भुगतान भारत यात्रा सफल होगी और हम महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश में जाएंगे, छत्तीसगढ़ जाएंगे, बिहार जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे, गुजरात जाएंगे, असम जाएंगे, गोवा जाएंगे, उड़ीसा जाएंगे, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, लेह लद्दाख, जो भी क्षेत्र हैं हमारे देश के, पूरे देश में जितने भी प्रांत हैं, राज्य हैं, ज़िले हैं, उन तमाम ज़िलों को जगाने का काम करेंगे। और जिस तरह से महाराष्ट्र बहुत तेज़ी के साथ जाग रहा है उसे देख करके ये आभास होता है कि जल्दी ही पूरा देश बट्स एक्ट 2019 अपनी भुगतान की गारंटी के अधिकार को जानेगा और जैसे ही पूरा देश अपने इस अधिकार को जान लेगा तो निश्चित रूप से सरकार कोई भी हो दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कोई असर नहीं पड़ता कि मोदी की सरकार है या दाऊद की या किसी और की। फ़र्क पड़ेगा आपके जागने से, जिस दिन आप जाग जाओगे कोई भी सरकार होगी उसे नतमस्तक होना पड़ेगा आपके समक्ष, कानून के समक्ष, और आपकी भुगतान की गारंटी का अधिकार आपको देना पड़ेगा। ये आप देख रहे होंगे हमारे सारथी भी और योद्धा भी दोनों हैं, चूँकि कई बार सारथी होते हैं केवल, लेकिन सारथी नहीं हैं आदरणीय रमेश सिंह जी, पूरी शिद्दत के साथ इस यात्रा को सफल बनाने में अपना सर्वस्व अर्पित कर रहे हैं। हमारे चौधरी विजेंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय महामंत्री, आप देख रहे होंगे पूरी ताकत लगा रहे हैं, पूरी ताकत के साथ इस मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 80 वर्ष की आयु में पूरे जोश और होश हवास के साथ इस मिशन को सफलता की ओर लेकर के चल रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अशोक मुदगल साहब, देख पा रहे होंगे आप तैनात हैं पूरी तरह से मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को सफल करने के लिए।
और मैं समझता हूँ जो हमारे साथियों का संकल्प है उस संकल्प की शक्ति के आगे देश के ठग साम्राज्य और बेईमान सिस्टम को झुकना पड़ेगा। आप सबका भुगतान इनको करना होगा। दोस्तों, मैं कुछ बड़ी खबरें आपको इस वीडियो संदेश के माध्यम से देना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि आप तमाम साथी जिन्होंने भी हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसके अलावा आपके पास अन्य कोई विकल्प नहीं है जो आपको सत्य बता सके, आपका भुगतान का मार्ग आपको दिखा सके। केवल और केवल आपके पास, सबके पास हमारा यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज ही ऐसा माध्यम है जो न केवल आपका मार्गदर्शन करेगा बल्कि वर्ष 2023 में ही आप सबकी जमा राशि का 3 गुना पैसा आपको वापस दिलाएगा। ये तय है दोस्तों, इसको कोई हल्के में ना ले, मजाक में ना ले, वर्ष 2023 में सबका भुगतान होगा। इसलिए तमाम साथी मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें ताकि पूरा देश जागरूक हो, उसे हमारे विषय में पता चले, हमें उनके विषय में पता चले और हम आपस में जुड़कर अपने पावन पवित्र भारत भूमि को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकें और आप सबकी मेहनत की डूबी हुई पूंजी को आपको वापस दिला सकें। दोस्तों, एक बड़ी खबर उत्तराखंड से कल आई है, जो सोशल विजन वेलफेयर सोसाइटी थी उसके स्वामी अरविंद पंत, उसकी पत्नी, उसके पिता, उसके भाई के खिलाफ उत्तराखंड के बागेश्वर में PID एक्ट 2005 उत्तराखंड का और बट्स एक्ट 2019 और धोखाधड़ी एवं ठगी की धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। बहुत जल्दी अरविंद पंत, उसका परिवार और उसके सहयोगी जेल जाएंगे, चूँकि बहुत खतरनाक किस्म का ठग है ये। इसने उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में लाखों लोगों के साथ ठगी की है और अभी तक खुला घूम रहा था। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा संकल्प है एक भी ठग को हिंदुस्तान की खुली हवा में सांस नहीं लेने देंगे, चाहे वो सुब्रत राय सहारा हो, अरविंद पंत हो, वो कौन सा बघेल है साईं प्रकाश वाला वो हो, या GCA मार्केटिंग वाला प्रीतम सिंह हो, या वो विष्णुकांत तिवारी हो स्ट्रीट हॉक वाला, या फिर कोई और हो, जो भी ठग अभी तक खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं उन सबकी सांसें बंद कर देंगे, सबको जेल के सीखचों के पीछे पहुंचाएंगे, तमाम ठगों की चल अचल संपत्तियों को सीज कराएंगे, सेल आउट कराएंगे, नीलाम कराएंगे और आपका भुगतान कराएंगे। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। दूसरी बड़ी खबर, 3-4 दिन से आप देख पा रहे होंगे, 23 मार्च 2023 के शहीदी दिवस कार्यक्रम से केंद्र सरकार घबरा गई है, सरेंडर कर दिया है आपके समक्ष देश के गृहमंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री ने, और दोनों लगातार रोज़ घोषणा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का पैसा 4 महीने में वापस करेंगे। 5,000 करोड़ को अब भूल गए हैं वो सहारा वाले को, अब तो कह रहे हैं 86,000 करोड़ लेकर के आएंगे, चाहे RBI से लोन लेना पड़े, कहीं से भी लेना पड़े, लेकिन ठगी पीड़ितों का भुगतान करेंगे। वो अखबार वालों की बदमाशी है कि वो केवल सहारा इंडिया दिखाते हैं, सहारा इंडिया की बात नहीं है दोस्तों। देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने ये संकल्प ले लिया है आपकी ताकत के समक्ष नतमस्तक होकर के कि हिंदुस्तान के प्रत्येक ठगी पीड़ित का, चाहे वो PACL का हो, साइंस सिटी का हो, साई प्रसाद का हो, समृद्धा जीवन का हो, किसी का भी हो, और उसका क्या बोलते हैं जनशक्ति का हो, ट्रिनिटी का हो, JKB का हो, अल्केमिस्ट का हो, पियर्स एलाइड का हो, बाइक बोट का हो, हेलो टैक्सी का हो, टॉप राइड का हो, सबके पीड़ितों का पैसा वापस करेंगे। चूंकि अब प्रधानमंत्री को, गृहमंत्री को, पूरे देश के सिस्टम को ये पता चल चुका है कि अगर हमने ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं किया तो आने वाला 2 अक्टूबर 2023 हमारे सर्वनाश का दिन हो सकता है, हमारा सर्वनाश हो सकता है। पूरा देश जाग रहा है दोस्तों, महाराष्ट्र में जो भीड़ हमारी जनसभाओं में मर रही है, महाराष्ट्र के साथियों का हौसला, प्रेम और समर्पण जो देखने को मिल रहा है, हजारों किलोमीटर दूर हम दिल्ली से, UP से यहाँ आए हुए हैं, मुरैना से, मध्य प्रदेश से, उसे देखकर लोगों का जो असीम प्रेम, असीम सम्मान हमें मिल रहा है, उनकी ताकत जो देखने को मिल रही है, विशाल जनसभाएँ जो हो रही हैं, उन्हें देख करके लगता है कि अब बहुत जल्दी पूरा हिंदुस्तान अपने भुगतान की गारंटी के अधिकार को पाने के लिए सड़कों पर होगा और इस बेईमान सिस्टम को, ठग साम्राज्य को
नेस्त नाबूद जमींदोज ध्वस्त करने का काम करेगा। इसलिए मैं तमाम साथियों से ये अनुरोध करूंगा दोस्तों कि अब हमारा यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ ऑन एयर भी होने जा रहा है, टीवी पर भी आया करेगा, घर बैठे टीवी पर देख पाओगे वो आप इसको। इतनी तेज़ी से हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, आप सबका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब कर रखा है, हमारे वीडियो को देखते हैं, इसे शेयर करते हैं, कि आपका योगदान भी इस लड़ाई में, इस अभियान में कोई कम नहीं है, उतना ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह से भगवान श्री राम जब राम सेतु का निर्माण कर रहे थे तो ये गिलहरी अपनी पीठ पर या अपने बालों में बालू के कण ले लेकर के वहाँ डाल रही थी, तो उसको भी भगवान राम ने बड़ा प्रेम दिया था, बड़ा सम्मान दिया था और कहा था कि इस गिलहरी का योगदान भी नल, नील और जामवंत से कम नहीं है। तो दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब किया है, जो इसे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, आप सबका योगदान भी अतुलनीय है, प्रशंसनीय है। आप सबको भी मैं सर झुकाकर नमन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम साथी इसी गति के साथ इस कारवां को बढ़ाते रहेंगे और वर्ष 2023 को भुगतान वर्ष के रूप में स्थापित करके देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। जय हिंद, जय भारत।